हेलो दोस्तों सभी साथ बात करेंगे यहाँ पर एक बेस्ट मोनोपोली स्टॉक के बारे में जिसके आज यहाँ पर क्वार्टर वन के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं और कंपनी ने कितना धमाकेदार परफॉर्मेंस कर कर दिखाया वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कंपनी का नाम है देखिए आई ई एक्स जिसे हम यहाँ, यहाँ पर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इस नाम से जानते हैं तो इसके अंदर यहाँ पर डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हुआ है वो यहाँ पर क्या है उसके बारे में भी समझेंगे और कंपनी के रिज़ल्ट भी कैसे थे वो भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ पहले कंपनी के रिज़ल्ट जो है उसको यहाँ पर स्टडी करेंगे एंड देन यहाँ पर बाकी की चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं देखिए जो मैं आपको रिज़ल्ट पहले बता रहा हूँ ये स्टैंड रिजल्ट है और जो फिगर्स है पूरे इन लैक्स में है तो कंपनी का जो टोटल इनकम है जो आई कंपनी का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि कंपनी क्वार्टरली ईयरली कितना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है वो सब कुछ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर करने के बाद आप डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकते हैं पिछले साल 2021 में जून क्वार्टर में कंपनी ने 10,237 जो लैक्स में कमाया था इनकम वो बढ़कर 11,339 थाउजेंड हो चुका है तो कंपनी का ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस इनकम के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रो हो रहा है और उसी तरीके से आप क्वार्टरली देखेंगे तो फोर्थ क्वार्टर के रिज़ल्ट में जो मार्च महीना 2022 का उसके अंदर 12,775 जो लैक्स में था वो घटकर 11,339 हो चुका है तो यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि आएक्स इस कंपनी के अभी यहाँ पर जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिज़ल्ट है वो थोड़े वीक नज़र आते हैं और यहाँ पर मैं आपको इस कंपनी के अंदर जो अदर जो भी यहाँ पर चीज़ें देखिए फाइनेंस कॉस्ट एम्प्लॉय के बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ जो डिडक्ट होने के बाद और जो आफ्टर द प्रॉफिट आ जाता है एक्सपेंसिव डिडक्ट होने के बाद प्रॉफिट बिफोर द टैक्सेस वगैरह वो सब डिडक्ट होने के बाद देखिए नेट प्रॉफ़िट का सेक्शन आ जाता है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी ने 2021 में जून महीने में, में 6,362 जो लैक्स में कमाया था नेट प्रॉफ़िट वो बढ़कर 6,858 हो चुका है तो आईएक्स इस कंपनी का ईयरली बेसिस पर बढ़िया तरीके से इम्प्रूवमेंट का परफॉर्मेंस दिखाई देता है अपने नेट प्रॉफ़िट में और उसी तरीके से क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी स्लो परफॉर्म कर रही है पिछले क्वार्टर में कंपनी ने एट थाउजेंड एट्टी सेवन जो लैक्स में कमाया था नेट प्रॉफिट वो घटकर कर सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी एट हो चुका है तो ये होगा देखिए इस कंपनी के रिजल्ट के डिटेल उसके साथ यहाँ पर हम अभी इसका अर्निंग पर शेयर भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर यह भी नजर आएगा ई पी सेम जिस तरीके से रिजल्ट है वैसा ही ई परफॉर्म कर रहा है कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पर जो रिज़ल्ट था उसको हम यहाँ पर कंपेयर करें तो इधर कंपनी के जो रिज़ल्ट है वो हमें यहाँ पर डाउन देखने को मिलते हैं तो इसी तरीके से अभी नेक्स्ट कंसल्टेट रिज़ल्ट की भी बात करें तो उसमें भी आप सेम देख सकते हैं सिचुएशन कंपनी की और कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा जो आप यहाँ पर प्रॉफ़िट की बात करें यहाँ पर भी आपको कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ईयरली बेसिस पर जून क्वार्टर जो 2021 और 22 है उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी बट मार्च महीने के 2022 के और जून महीने के 2022 जो 22 के रिजल्ट है जो क्वार्टर फोर के क्वार्टर वन के उसके अंदर आपको काफ़ी तेजी से कंपनी की इम्प्रूवमेंट डाउन देखने को मिलेगी आप कंपनी तरफ से जो अनाउंसमेंट हुए हैं वो भी देख लेते हैं हमें देखना जरूरी है तो यहाँ पर कंपनी देखिए फर्स्टली अनाउंस किया कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट एंड देन रिकॉर्ड डेट फॉर द फाइनल डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर मार्च थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बोले तो ये जो डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है ये कोई अभी के डिविडेंड की नहीं है ये बात याद रखना आप बोलेंगे कि सर अभी कंपनी ने हमारे लिए कोई डिविडेंड अनाउंस किया है क्या बिल्कुल नहीं ये डेट देखिए कब की है अप्रैल महीने की बात हो रही है सत्तावीस अप्रैल दो हज़ार बाईस की और ये मार्च इक्तीस मार्च दो हज़ार बाईस की बोल तो ये आपके लिए अभी के डेट कोई भी अनाउंसमेंट इन्होंने नहीं किए है और यहाँ पर आप देखेंगे तो अब उन्होंने जो डेट अनाउंस की है वो क्या है देखिए जो भी इनकी तरफ से जो डेट के बारे में अनाउंसमेंट किया है वो 12 अगस्त है रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पज ऑफ इंटीमेशन टू इंटाइटल ऑफ़ द शेयर होल्डर फाइनल डिविडन अभी देखिए ये जो डिविडन था वो पिछले बार तो अनाउंस हो गया बट जो डिविडन का बेनिफिट है आपको वो एक रुपये का डिविडन का वो आप ले सकते हैं वो किस तरीके से तो आप यहाँ पर अभी अगस्त महीने से पहले 12 अगस्त से पहले जो भी खरीदेगा उसको डिविडन मिल जाएगा तो आई होप आप डिटेल समझ चुके हैं